हम कंपेयर करेंगे इंडिया और चाइना के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि इकोनॉमी, ट्रेड, मिलिट्री, पॉपुलेशन, एडुकेशन क्वालिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी और अन्य विषय पर भारत और चाइना कहां पर खड़ा है। चलिए आज जानते हैं पहले इकोनॉमी के बारे में। भारत का नॉमिनल जीडीपी है 3.2 ट्रिलियन US डॉलर, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। परचेसिंग पावर पॉवर्टी के अनुसार भारत का जीडीपी है 11.3 ट्रिलियन US डॉलर, जो दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरी तरफ चाइना का नॉमिनल जीडीपी है 14.1 ट्रिलियन US डॉलर, जो भारत की नॉमिनल जीडीपी के से 5 गुना बड़ा है। परचेसिंग पावर पॉवर्टी के अनुसार चाइना का जीडीपी है 27.3 ट्रिलियन US डॉलर, जो दुनिया की सबसे बड़े इकोनॉमी चाइना को बनाते हैं। भारत का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इनकम 2,338 US डॉलर है, जो दुनिया में 139 रैंक पर आती है। दूसरी तरफ चाइना की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इनकम है 10,153 US डॉलर है, जो 65 रैंक पर आते हैं। परचेसिंग पावर पॉवर्टी के अनुसार जीडीपी पर इनकम भारत का है रिजर्व, इंडिया का फॉरेन रिजर्व है 541 बिलियन US डॉलर, चाइना की फॉरेन रिजर्व है 3.3 ट्रिलियन US डॉलर, जो दुनिया की सबसे फॉरेन रिजर्व वाला कंट्री है। भारत की इन्फ्लुएंस रेट है 3.3% और दूसरी तरफ चाइना की इन्फ्लुएंस रेट है 3%। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया 63 रैंक पर खड़ा है, चाइना 31 रैंक पर खड़ा है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में चाइना 28 रैंक पर खड़ा है, इंडिया 68 रैंक पर खड़ा है। इकोनॉमी से चाइना भारत से 5 गुना बड़ा है। इंडिया का 2019 में टोटल ट्रेड था 844 बिलियन US डॉलर, जिसमें एक्सपोर्ट है 330 बिलियन US डॉलर और इंपोर्ट है 514 बिलियन US डॉलर। ट्रेड डेफिसिट 184 बिलियन US डॉलर है। दूसरी तरफ चाइना की टोटल ट्रेड है 4.1 ट्रिलियन US डॉलर, जिसमें एक्सपोर्ट है 2.2 ट्रिलियन US डॉलर और इंपोर्ट है 1.84 ट्रिलियन US डॉलर। ट्रेड सरप्लस है करीब 419 बिलियन US डॉलर। दोनों देश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है USA। मिलिट्री ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स में भारत की मिलिट्री की स्थान चाइना के बाद 4th नंबर पर आती है। इंडिया की डिफेंस बजट है करीब 71.1 बिलियन US डॉलर और चाइना की डिफेंस बजट है 261 बिलियन US डॉलर। इंडिया के पास करीब 14,44,000 एक्टिव पर्सनल है और 21,00,000 रिजर्व पर्सनल है, और चाइना के पास 21,83,000 एक्टिव पर्सनल है और 5,10,000 रिजर्व पर्सनल है। आर्मी और एयरफोर्स में इंडिया चाइना से एक कदम पीछे है, लेकिन चाइनीज नेवी इंडियन नेवी से बहुत आगे है। चाइना का टोटल पॉपुलेशन है करीब 144 करोड़, जो दुनिया की 18.47% है। विश्व का सबसे आबादी वाला देश चाइना में हर वर्ग किमी पर 153 लोग रहते हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है करीब 138 करोड़, जो दुनिया की 17.7% है। विश्व का दूसरे सबसे आबादी वाला देश इंडिया में हर वर्ग किमी पर 464 लोग रहते हैं। लैंड एरिया इंडिया के पास 29,73,190 स्क्वायर किमी एरिया है, जो दुनिया की 7th नंबर पर आते हैं। दूसरी तरफ चाइना के पास 93,88,211 स्क्वायर किमी लैंड एरिया है, जो दुनिया की 4th नंबर पर लैंड एरिया के मामले में आते हैं। अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में 35% लोग शहरों में रहते हैं, दूसरी तरफ चाइना में 16.8% लोग शहरों में रहते हैं। मिडिल एज इंडिया की मिडिल एज है करीब 28.4 ईयर, चाइना की मिडिल एज है करीब 38.4 ईयर। पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है 0.99%, दूसरी तरफ चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ है 0.39%।
एजुकेशन बजट, इंडिया की एजुकेशन बजट है 57 बिलियन US डॉलर, चाइना की एजुकेशन बजट है 565 बिलियन US डॉलर। लिटरेसी रेट, इंडिया की 2019 में लिटरेसी रेट थी 84%, चाइना की लिटरेसी रेट थी 96%। रिसर्च और डेवलपमेंट स्पेंडिंग, भारत 2019 में 15.4 बिलियन US डॉलर रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा किए थे, दूसरी तरफ चाइना 278 बिलियन US डॉलर रिसर्च और डेवलपमेंट में स्पेंडिंग किए थे। हेल्थ केयर स्पेंडिंग, भारत हर 2019 में 29 बिलियन US डॉलर हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग की थी, चाइना दूसरी तरफ 697.7 बिलियन US डॉलर रिसर्च और हेल्थ केयर पर खर्चा किए थे। स्पेस साइंस बजट, इंडिया 1.5 बिलियन US डॉलर 2019 में स्पेस साइंस में खर्चा किए थे, दूसरी तरफ चाइना 11 बिलियन US डॉलर स्पेस साइंस में 2019 में खर्चा किए थे। एनफोर्सिंग लॉ एंड जस्टिस में इंडिया की रैंक 66 है, चाइना की 18 रैंक पर है। ट्रैवल और टूरिज्म से भारत 2019 में 240 बिलियन US डॉलर कमाए थे, जो भारत की जीडीपी का 9.2% है, जिससे 42.67 मिलियन जॉब पैदा हुए थे। दूसरी तरफ चाइना ट्रैवल और टूरिज्म से 1.45 ट्रिलियन US डॉलर 2019 में कमाए थे, जो चाइना की जीडीपी का 11% है, जहाँ से चाइना में 28.25 मिलियन जॉब पैदा हुए थे। ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक 34th थी, दूसरी तरफ चाइना की रैंक 12th थी। अभी हम चाइना से कभी पीछे खड़े हैं, लेकिन अब समय आ चुके हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़कर चाइना के साथ एक हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं, तब जाकर हम 2040-50 तक एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकते हैं।